हेलो साथियों, आज मैं डीग नहीं हांक रहा हूं, बल्कि आज मैं डीग में हूं। और साथियों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान रियासत का एक महत्वपूर्ण इलाका, जिसके आप राजस्थान के स्रोतों में आप बहुत ही कम इनका इतिहास देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी आप स्टोरी, इनकी वीर गाथाएं सुनेंगे तो आप ही गर्व महसूस करेंगे। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ महाराजा सूरजमल की डायनेस्टी से बहुत ही प्रसिद्ध किला, जो है डीग का किला। आप देखेंगे चारों तरफ ये बड़ी बड़ी दीवारें, और सेम जो भरतपुर का स्ट्रक्चर का जो किला है लोहागढ़ का, वही सेम कैनल भी यहाँ चारों तरफ बनाया गया है, जो कि इसकी जो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा साधन था। ये इस प्रकार की जो कैनल बनाई जाती थी, या दुश्मन किसी प्रकार का कोई भी वार करता था, यहीं पर रोक लिया जाता था। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है, इसे धोखा या इसके नाम से बताया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे यहाँ पर। और बाकी के जो मेन इसका गेट था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है किसी भी कारण, तो हम पहले अंदर चलेंगे, और अंदर जाने के बाद में वहाँ पर, यानी कि भारत की सबसे बड़ी तोप है वहाँ पर, तो उस तोप की खासियत क्या है और वहाँ उसके बारे में लोग क्या जानते हैं, अगर मिलते हैं तो उनसे बातें करेंगे। कहा जाता है 200 किलोमीटर तक उसकी मार्ग क्षमता है, उसकी 200 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता है। और बाकी बहुत सारे फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार के जो बनाए जाते थे, ये हैं जो पहले जो हाथियों पर वार करवाए जाते, हाथियों से दरवाज़ा तोड़ा जाता था, तो इसलिए इस प्रकार के जो बोल्ट हैं ये लगाए जाते थे, ताकि हाथी जैसे पैर मारे तो हाथियों के पैरों में समा जाए, तो हाथी फिर पीछे ही लौट जाता था। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती थी उस ज़माने में, वो काफ़ी सराहनीय थी। यानी कि आज अब की बात करें, कितना फास्ट टेक्नोलॉजी वाला पूरा विश्व है, लेकिन उस ज़माने में भी अपने हिसाब से यंत्र कम होने के बावजूद इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती थी, वो सोचने पर मजबूर कर सकती है आज के टाइम में। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ डीग में, और सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाऊंगा पूरा इसका प्रदेश जो भी। अब अंदर की तरफ हम चलते हैं, अंदर की तरफ हम बातें करेंगे आपसे इस किले के बारे में, जो भी इसकी विशेषता है, क्या इसकी खूबसूरती है, और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है राजस्थान में। तो चलो फिर अंदर की तरफ चलते हैं, और आपसे हम सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में चलते हैं। और अभी आप जैसे किले में हम प्रवेश हुए हैं, तो आपके दीवारें मिलेंगी आपको, इसकी जो आपकी चौड़ाई मिलेगी दीवारों में काफ़ी, आपको देखेंगे आई मीन, आप जब भी आप इसको देखेंगे निखारेंगे, तो इस प्रकार से आपको कर सकती है उस ज़माने में किस प्रकार से बनाई गई होंगी। और देखो जिस प्रकार जिस टाइम बनाई गई थी, सारी मिट्टी की चुनाई थी, आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पहले मिट्टी की चुनाई से ये पूरा किला बनाया गया है। तो साथियों, ये फिर आप जो मैं भी पूरी तरफ से जगाऊंगा, ये पूरा मिट्टी में ही बना गया है किला। और जिस प्रकार से जिस किले के चारों तरफ जो कैनल है, जो कि नाला बनाया गया है, जो कि दुश्मनों से बचने के लिए था ये नाला। साथियों, सीधे से इस किले का जो मेन रास्ता है, ऐसा कोई, साथियों आप देख सकते हैं अभी जो पूरा रास्ता है वो किले की तरफ, और दर्शक भी काफ़ी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, आगे तरफ काफ़ी दर्शक मिलेंगे। और साथियों देख सकते हैं कि जिस प्रकार का जो दीवारें लगाई हैं, पूरी तरह से आपकी, मतलब आप जाओगे तो तीन दीवारें यहाँ से गुजर चुकी हैं, तीसरी दीवार है ये प्रोटेस्ट करने के लिए, किस प्रकार से जो डिज़ाइन की गई थी आप देख सकते हैं, और इस प्रकार की जो, तो साथियों ये उसकी दीवार आप देख सकते हैं, ये इस किले की दीवार, यानी डीग के किले की जो दीवार हैं। मैं कुम्भलगढ़ फोर्ट गया था, कुम्भलगढ़ फोर्ट में जब देखा तो कहते थे कि 4 से 6 घोड़े एक साथ सेमेंट्री जैसी वॉक कर सकते थे। तो वो किला, और वो किले की दीवारें, कुम्भलगढ़ यानी कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो भी दीवारें हैं उसकी, कुम्भलगढ़ की, यानी चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में कुम्भलगढ़ की दीवारें आती हैं। लेकिन इस किले की दीवार देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उसको टक्कर देता हुआ, तो बहुत बड़ा फैक्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 6-7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं कहीं कहीं जगह पर। अभी आगे जाके देखेंगे यहाँ पर, तो प्रदर्श जो भी होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है। आप देख सकते हैं आगे जाके कि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो पोल है, इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर टूनल बनाया गया था, जो कि दुश्मनों को अच्छी तरह से देख के और उन पर बड़े ढंग से वार किया जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था यहाँ पर।
साथियों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जिसको शायद आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। वो है हमारे भारत की सबसे बड़ी तोप। खासियत क्या है, कितनी इसकी रेंज थी, और यहाँ से कहा जाता है कि दिल्ली का किला तोड़ा था। तो वो आपकी उसकी परत, उसकी वेट कितना, वो वहीं पर देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाना, फिर हम आपको बताएंगे कि उसका क्या। क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर अंधेरा बना हुआ, थोड़ा सा अंधेरा, यहाँ पर डार्क है और सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ा सा इस प्रकार से डिजाइन हुआ है। साथियों, फाइनली जो डेस्टिनेशन में पहुंच चुका हूं और जिसको देखने के लिए मैं आया हूं, वो मेन जो चीज़ है वो है साथियों यहाँ की तोप। यानी तोप की विशेषता क्या है, इसके बारे में क्या खासियत है, आप देख सकते हैं यहां पर जिस प्रकार से इसका डिज़ाइन किया और कितना वेट हो सकता है इसमें। तो साथियों, ये वाला आप देख सकते हैं यहां पर काफ़ी दर्शक आए हुए हैं आज, और ये दुनिया की नहीं भारत की सबसे बड़ी तोप है। और इसकी जो रेंज बताई जाती है वो 200 किलोमीटर रेंज बताई जाती है। यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से दिल्ली का जो किला था यहीं से तोड़ा गया था। नहीं, आप देखिए यहाँ पर 5 तोप हैं। यहाँ पर एक ये तोप है, आप इधर जाएंगे तो साथियों एक उधर तोप मिलेगी, इधर साइड एक उधर तोप मिलेगी यहाँ पर, और साथ ही एक उधर है साइड में और एक इधर है। सर 5 तोप हैं टोटल। और आपको मैं बताता हूँ, जिस प्रकार से वहाँ पर गोला बारूद छुपाने का काम किया जाता था, वो वहाँ का बहुत ही एक आज गुप्त जगह थी। वहाँ पर किस तरीका से गोला बारूद छुपाने का काम हुआ होता होगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ साथियों। 5 फुट के नीचे उसकी गहराई है, जिस प्रकार से मैं अभी वहाँ पर लेके चलूँगा, जो महलों के साइड में वहाँ पर गोला बिछाने का काम किया जाता था, वहीं पर एक सीक्रेट जगह थी, एक खुफिया जगह थी, जाकि दुश्मनों को पता ना चल जाए। तो ये सारा जो प्रदर्श है या इस महल का है वो काफ़ी सराहनीय है। और जिस तरीका से जो स्ट्रक्चर इसका डिजाइन किया गया था, यानी कि बड़े बड़े तासाद, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, जो भी आप बिल्डिंग का बनाने का काम करते हो, उसको सोचने पर मजबूर कर सकता है। जिस प्रकार से जो कैनल बनाई गई, चारों तरफ से इसकी खुदाई की, यानी दुश्मन जब इतने बार करने प्लानिंग सोचता था, उतने में यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे, यहाँ पर जो सैनिक थे, उसको वहीं पर ही धराशायी कर दिया करते थे। तो ये बाकी महाराजा सूरजमल का जो कि व्यक्तित्व, तो बदन सिंह जी के हिसाब से जो बनाई गई थी, वो काफ़ी ही एक बहुत ही विशाल काया वाला किला। हालांकि इस समय थोड़ा सा यहाँ पर पेड़, काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं, लेकिन ये किला है जो मेन जो अट्रैक्शन मैं बता रहा हूँ, ये यहीं पर है। आगे जाके आप देखेंगे तो ऐसी तोपें आपको बहुत सारी मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर 5 हैं, वैसे 12 तोपें हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे किले के चारों तरफ आपको 5 तोपें मिलती हैं। तो बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ पर, आप देखेंगे साथियों। तो इसको देखने के बाद में यहाँ पर जो मेन चीज़ होगी, आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से भीलवाड़ा से हैं। तो आपका नाम क्या जी है, बताइए। तो ये भाई साहब यहाँ भीलवाड़ा से हैं और काफ़ी जगह जगह से आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि यहाँ पर क्या देखने आए थे आप? किला देखने के लिए आए सर। तो आपको किला आपको कैसा लगा फिर? आप देखिए, अच्छा लगा सर। 5 तोपे हैं, ये बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी और देखना। साथियों, अभी हम चलेंगे यहाँ का पूरे किले का नज़ारा लेकर, और फिर चलेंगे हम सिटी पैलेस की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे सारे महल हैं उस टाइम के। और अभी यहाँ पर म्यूजियम में बना दिया गया है कुछ सिटी पैलेस हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं साथियों, वहाँ का ही हवा महल है उस टाइम का। अभी आप देखेंगे यहाँ से पूरी सिटी का आप नज़ारा ले सकते हैं, डीग सिटी का। ये देखेंगे आप, यहाँ पर डीग सिटी है और काफ़ी बड़ी सिटी है, पुराने टाइम की वसी हुई। सबसे पुराना महल, यानी बदन सिंह राज महाराजा बदन सिंह के द्वारा बनाया गया सबसे पहले जो महल था डीग में, उस डीग किले के अंदर में आप आओगे तो ये महल में नहीं कह सकता, ये खुला आप जब आएंगे खुला महल, और फिर ये बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर आगे आपको बंद नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों, अभी ये महल है पूरा, आप देखिए सबसे महल है, सबसे पुराना महल है कि उस टाइम में जहाँ पर जो राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ से अपना पूरा राज बाजू भी संभाला करते थे क्षेत्र का। उसके बाद में उन्होंने लेटर ऑन उन्होंने भक्तपुर में शिफ्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार
प्रकार से इनका स्ट्रक्चर उस जमाने का, और इधर आगे हम अंदर जा नहीं सकते, शायद अंदर जा सकते, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता। तो पूरी तरह से यहाँ पर पुरानी जो इमारत है पूरी तरह से आपको एज इट इज मिलेगी भविष्य से, लेकिन कहीं कहीं जगह आपको थोड़ा सा गंदा गंदा यहाँ पर पेड़ भी नहीं पाती। इधर आना कोर्ट यार्ड कुछ नहीं है उसमें, कितना बड़ा बरामदा है। ये काफी मैन है, और देखिए ये सब ये पुराना अभी का गाटर फट रहा है।